देख रिस्ट पे लेके आए हम। ये देख ये देख ये देख रिस्टम के चेहरे पे खुशी ही रखा भाई साहब। 200 रुपए की, 200 रुपए की, मात्र 200 रुपए की। तो गाइस तबीयत तो मेरी ठीक होने रही है, पता नहीं क्या हो गया अभी। फिर आज मैंने कल मैंने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट चेक कराने के लिए दी थी, तो आज शाम को मिलेगी। और अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, सो दवाई खा लेता हूँ पहले। तबीयत खराब होती है ना, कुछ नहीं होता लिटरली यार। सर में ठंड लग रही है मेरे को, और बुखार आ रहा था 2-3 दिन से। कल रात से तो नहीं आया, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, और क्या बोलते हैं कि इंजेक्शन वो सबके सामने लगा रहे थे। मैंने बोला भैया अकेले में कहीं लगा लो यार, वहाँ पे लेडीज़ भी थी, वो पीछे लगाते हैं ना, तो इसलिए निकल पड़ेगा इस बार अपनी मंजिल की ओर। और ठंडा हो रहा है यार यहाँ बहुत, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसमें ठंड होगा। और ये लोकेशन बहुत ही प्यारी है, UK 07 राइडर है ना, तो जानते हो काफ़ी लोग, तो हमेशा यहीं पर आके ब्लॉग बनाता है। मुझे आता है अकेले राइड करने में, और मेरा मन तो करता है कि लॉन्ग राइड पर जाया करूँ, आराम से घूमूँ, कहीं स्टे करूँ। इधर ठंड लग गई मेरे को, घर से तो मैं जैकेट पहना था, रास्ते में उतार दी थी, तो मम्मी गुस्सा ना करे। तो भाई साहब आधे घंटे में बुरी हालत हो गई मेरी। यहाँ पे रुका था मैं थोड़ी देर के लिए, हाँ बोला भाई जैकेट वगैरह पहन लेते हैं। पता लग रहा जो तबीयत ख़राब है वो और ख़राब हो रही है। ये तो देहरादून का रेलवे स्टेशन पहुँचेगा, इसमें यहाँ से गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। वो 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 गाइस अब देहरादून की गलियों से भटकना पड़ रहा है, मैं रास्ता भटक गया। भैया कोलागढ़ जाना था यार, यहाँ नहीं है। हेलो चिराग भाई, हेलो, क्या हाल है? कैटल बेल्स और बम्पर प्लेटें, सब तरीके की चीज़ें हमारे पास मिल जाएंगी। तो गाइस जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो मेरे को ये लगा, ये डंबल, स्टील डंबल, मजबूत होते हैं है ना, इस टाइप से है ये, आप देख सकते हैं 5 किलो का डंबल है, और ये मजबूत भी है, आप इसको कैसे फेंके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है मेरा बाउंसर डंबल, आप देख सकते हैं बाउंसर डंबल 5 किलो का कितना छोटा सा डंबल है, नहीं तो बड़े बड़े साइज़ में डंबल आते हैं आप देख सकते हैं। ये भी हमारा बहुत अच्छे मटेरियल में है, जो जिम में यूज़ होता है बेसिकली, ये घर पर्पज़ में कम यूज़ होता है। 2.5 kg का है, 2.5 kg का है। तो गाइस यहाँ चिराग भाई के पास काफ़ी सामान अभी अवेलेबल है, निकल गया बट फिर भी काफ़ी सामान है स्टॉक में। और ये वाली मशीन, ये बटरफ्लाई मशीन है, ये एक्चुअली होम पर्पज़ बटरफ्लाई होगी है, इसके अंदर रोइंग मशीन है। इसका रेट क्या है ये बताओ पहले। यार ये बहुत ही किफ़ायती दामों में है, मात्र और मात्र 16,000 रुपये की। 16,000 रुपये की। और गाइस ये साइकिलिंग मशीन है, इसका रेट क्या है? इसका रेट मात्र 4,500 रुपये। 4,500। ये एयर बाइक है। योगा मैट का रेट पता करेंगे गाइस, योगा मैट कितने का देते हैं भैया, बिकॉज काफ़ी मतलब लोग होते हैं जिनको योगा मैट चाहिए होता है। ये कितने की है बताओ? यार ये योगा मैट मात्र 200 रुपए की। 200 रुपए की, मात्र 200 रुपए की योगा मैट। ओ टेंशन मेरे पास। अच्छा। जो जिम में यूज होती है आप देख सकते हैं। रेट क्या है इसका? इसका रेट मात्र 8,000 रुपए। 8,000 रुपए, 8,000 रुपए की बेंच है, हैवी कमर्शियल बेंच है ये, हेड बेंच है। और जो मेरे को मतलब जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, एक तो ये है बटरफ्लाई मशीन, एंड एक ये साइकिलिंग मशीन, ये बहुत अच्छी है। एयर बाइक है, एयर बाइक बोलते हैं, एयर बाइक बोलते हैं। मीटर चलता है इसका? सब चलता है इसके अंदर। अच्छा यार बिल्कुल। इसका प्राइस क्या है? मात्र 200 रुपये। 200 रुपये में ये टोनिंग ट्यूब है गाइस। ये वाले तो जिसने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, मैंने भी लिया था कि वो तो ऑनलाइन लिया था, वो काफ़ी महंगी पड़ी थी मुझे। यहाँ तो सही है यार। अब मैं दिखाऊंगा आप, इसके अंदर मटेरियल का फीलिंग होती है। ये फुल रबड़ है, प्योर रबड़, रबड़ इसमें कुछ मीठी मीठी नहीं मिलती है, प्योर रबड़ है ये, प्योर रबड़। अभी उछल रहा है देखो, ये देखिए कोसों की बॉल की तरह उछल रहा है, कोसों की बॉल होती है। योगा मैट हमारा 200 रुपये, स्टील के डंबल 90 रुपये किलो, बाउंसर डंबल 100 रुपये किलो, हेक्सा डंबल 95 रुपये किलो। डेवलप करा लिया गाइस फाइनली, आज तो मौज ही आ गई बिल्कुल। एक्चुअली मैं ठीक है सलोन जाने वाला था बट
टाइम की मैनेजमेंट को देखते हुए मैं ठीक है सलन, मैंने सोचा कि और दिन जाऊँगा। एक्चुअली गाइज मेरे पास ना वो नहीं है जो माइक होता है एक्सटर्नल माइक, GoPro में अडेप्टर होता है, लिमिटेड स्पीड में चलाना पड़ता है ताकि विंड नॉइस ना आए और आवाज़ मेरी प्रॉपर आप लोगों को क्लियर आए। गाइज ये लच्छे वाला रूट है, देखो कम से कम 3-4 साल बाद मैं इस रूट पर आ रहा हूँ। कितना मस्त लग रहा है रूट, मतलब धूप छमते हुए आ रही है ना इधर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है नेचर के बीच में आ गया हूँ मैं जैसे कहीं। तो यहाँ बगल में लच्छी वाला है और यहाँ की खासियत ये है कि इसके ऊपर से ट्रेन जाती है और देखो, और ये है पिकनिक स्पॉट, यहाँ का भी किसी दिन ब्लॉग बनाएंगे। तो ये है यहाँ का फेमस वाला PG कॉलेज, दुर्गा मल्ला कॉलेज। ओह यहाँ पे भी गमले मिलते हैं, ये है PG कॉलेज, यहाँ ओपन है कॉलेज, पता था फाटक लगा डिग्री का बैग निकलने तब तक। एक पेडिग्री का बैग देना यार एडल्ट के लिए, 3 kg वाला। कितने का ये? थैंक यू अंकल। बस ये पेडिग्री का बैग ले आना पड़ेगा, उसकी तबीयत खराब हो गई यार। तो कपड़े आ गए, वो देखो गाड़ी देखा इसकी आवाज़ ना गाइस बैठ गई, और देखो आवाज़ बैठ गई इसकी, पता नहीं कैसे कस्टम क्लेम कुछ लाए हैं आज। सबसे पहले हम रुस्तम को रुस्तम का गिफ्ट देंगे भाई, देख रुस्तम पहले क्या लाए हम, देख देख ये देख, रुस्तम के चेहरे पे खुशियाँ ही रखते हैं। देख भाई कोई मतलब नहीं उससे, कोई मतलब नहीं उससे, चला पहले सुसु कर ले तो मैं गाड़ी रख लूँगा, आजा चल, आजा आजा। इससे इसकी तबीयत पता नहीं कैसे ख़राब हो गई, इसका गला ख़राब हो गया गाइस। जा सबस जब तक ये सुसु करता है हम अपना सामान रख देते हैं, शाम को डॉक्टर पे जाने गए देखेंगे रिपोर्ट में क्या है ना। बहुत दिक्कत हो गया, अरे तू सुसु नहीं करी तूने, भाग के आ गया गाइस। आज मैं आपको चलो तुम दिखाता हूँ, यहाँ रखता हूँ गाइस में गाड़ी, यहाँ मैं गाड़ी रखता हूँ। हाँ भाई तुम्हें सुसु क्यों नहीं करी,